दोस्तों किसी भी YouTube चैनल ग्रो कैसे कर सकते हो वही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो कि कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, अच्छे से जो कि आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोगों को फॉलो करनी होगी, ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं करना है। अगर जो कि ये वीडियो आप लोग एंड तक देख लेते हो तो आप लोगों को सारा कुछ पता चलेगा कि क्या आप लोगों को करना है क्या नहीं करना है, और मेरा चैनल किस तरह से ग्रो हुआ तो आप लोग भी उसी तरह से जो कि करेंगे तो आपका भी चैनल ग्रो हो सकता है। तो आप लोगों को सब कुछ मिला के दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखना होगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हो और आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल है वो ग्रो करा सकते हो। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर चल रहा है प्रमोशन, और प्रमोशन में भाग लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि रोज सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो देखते देखते कोई सा भी एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर जो कि रैंडम कमेंट पिकर में आपका नाम आ गया दोस्तों तो आपकी वीडियो की लिंक है पर मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे भी कमेंट जरूर करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि यूट्यूब चैनल ग्रो किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहली टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो सबसे पहली टिप्स जो आप लोगों को कॉमन है दोस्तों वो कॉमन क्या टिप्स है कि आप लोगों को रेगुलर रहना होगा, रहना होगा। आप लोग यहाँ पर मेरे ही चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर किसी भी चैनल को जाकर देख सकते हो दोस्तों। अगर किसी भी चैनल जो कि बड़े से बड़े क्रिएटर हैं कि मनोज दे ले लो, टेक्निकल योगी ले लो या फिर लकी पांडे ले लो या फिर कोई भी यहाँ पर बड़ा यूट्यूब चैनल ले लो या फिर मेरे ही चैनल की बात ले लो, तो यहाँ पर टेक्निकल योगी की बात करें तो वो रेगुलर एक वीडियो तो डालते ही डालते हैं, किसी ना किसी दिन तो जो कि दो वीडियो डालते हैं। उसी तरह से मेरे चैनल पर देखो तो मैं रेगुलर एक वीडियो डालता ही डालता हूँ, मेरा जो कि रोज सुबह 8 बजे वीडियो आता है तो आ ही जाता है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से कंसिस्टेंस रहना होगा दोस्तों। आप लोगों में से बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि 10 से 12 दिन गैप ले लेते हैं या फिर जो कि किसी किसी यूट्यूबर 2 से 3 दिन का गैप ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो डालते हैं और फिर भी जो कि मुझे कमेंट आता है कि भाई हमारा व्यूज़ नहीं आ रहा है, भाई मेरा चैनल चेक कर लो, मेरे चैनल पर कोई खराबी है या फिर जो कि मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कंसिस्टेंस रहना होगा। अभी मेरी ही बात करो दोस्तों तो पिछले 3 से 4 महीने के अंदर मैंने एक दिन की भी गैप नहीं की, तो आप लोग यहाँ से भी सोच सकते हो कि मेरा चैनल क्यों ग्रो हो रहा है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से करना होगा दोस्तों, आप लोग देखिए 2 दिन 5 दिन वीडियो डालेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि यार मेरा चैनल है वो ग्रो नहीं हो रहा है तो भाई प्लीज मुझे बता दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों को जो कि 1 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं लेकिन आप लोगों को रेगुलर कंसिस्टेंस रहना होगा तभी जाकर आपका यूट्यूब चैनल है वो ग्रो होगा। तो सबसे पहले तो यही बेसिक टिप्स थी। अब मैं आप लोगों को दूसरी टिप्स क्या बता रहा हूँ दोस्तों, तो दूसरी टिप्स में आप लोगों को क्या बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि अपनी कैटेगरी के बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल है उसको जो कि सब्सक्राइब करना है। एक ऐसे मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी जो कि गेमिंग हो सकती हो, एजुकेशन हो सकती है या फिर जो कि मेरी तरह यूट्यूब टिप्स की हो सकती हो। अब मेरी तरह जो कि यूट्यूब टिप्स की एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, आपकी कैटेगरी कोई भी हो सकती है लेकिन मेरी तरह जो कि यूट्यूब टिप्स की है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मनोदय हो गया, टेक्निकल योगी हो गया, टेक्निकल इशरार हो गया, लकी पांडे हो गया, सचिन टैग हो गया, इस तरह से बहुत बड़े बड़े क्रिएटर को जो कि मैं सब्सक्राइब करके रखूंगा। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मान लीजिए कि यहाँ पर लकी पांडे है तो उसका जो कि मैं चैनल पर जाऊँगा, उसके यहाँ पर विजिट करूँगा और उसके वीडियो पर विजिट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग साइड में देखिए कि उसके वीडियो यहाँ पर मैं जैसे ही देखूंगा तो जो कि उसके 6,000, 7,000, 8,000 व्यूज आ रहे हैं। अब किसी ना किसी वीडियो पर जो कि 10 से 20,000 व्यूज आ गए तो किसी वीडियो पर जो कि 3-4 ही हज़ार व्यूज आ गए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या सीखना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर अपनी कैटेगरी के यहाँ पर चैनल को जो कि एनालिसिस करना है, उसके चैनल पर किस वीडियो पर जो कि ज़्यादा व्यूज आ रहा है तो आप लोगों को भी इसी तरह से वीडियो बनाना है। अगर जो कि किसी वीडियो पर कम व्यूज आ रहा है तो आप लोगों अगर ये वीडियो जो कि बनाना चाहते हो तो आप लोगों को नहीं बनाना है क्योंकि वो ऑडियंस जो कि वो देखना ही नहीं चाहती है, उसके पास जो कि ऑलरेडी ऑडियंस है तो उसका जो कि थोड़ा बहुत व्यूज आ गया लेकिन आपके जो के पास ऑडियंस ही नहीं होगी दोस्तों तो आप लोगों के कहाँ से व्यूज आएंगे। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप लोगों को उसी तरह का वीडियो बनाना है जो उनका जो कि वीडियो वहाँ पर चल रहा है, यानी कि उसका जो कि 7-8 हज़ार व्यूज भी आ रहे हैं और 20 हज़ार व्यूज आ गए तो आप लोगों को जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाना होगा, उससे आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है। तो मैंने भी जो कि उसी तरह से वीडियो बना रहा हूँ, अभी के वीडियो भी उसी तरह से बना रहा हूँ और पहले भी उसी तरह से वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान में रखना है। दूसरी कौन सी कैटेगरी है दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरी में आप लोगों को गलती बताना चाहता हूँ दोस्तों कि दूसरी गलती कौन सी आपको नहीं करनी है। तो गलती बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते थे कि कॉन्ट्रोवर्सी में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है जो कि कॉन्ट्रोवर्सी में चले जाते हैं और उसके बाद जो कि लगातार वो वीडियो बनाते ही जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को वो नहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग कॉन्ट्रोवर्सी पर वीडियो मत बनाओ। अब मैंने भी जो कि 1-2 वीडियो बहुत से बार बना दिया है लेकिन दोस्तों
दोस्तों मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर ट्रेंडिंग टॉपिक आ ही गया है तो उस पर जो कि एक वीडियो, दो वीडियो या फिर तीन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना दो, लेकिन आप जो कि फिर से वो टॉपिक के ऊपर पढ़े ही मत जाओ कि यार आठ वीडियो दस वीडियो बना दिए और उसके बाद जो कि वीडियो बनाते ही जा रहे हो। अगर आपका उस वीडियो में जो कि कोई भी एक वीडियो वायरल भी हो गया लेकिन आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वो सब्सक्राइबर आपके डेड हो गए, क्योंकि आपके कैटेगरी के रिलेटेड ही नहीं हो गए तो फिर आपके सब्सक्राइबर के हो या ना हो क्या फ़ायदा हो दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एक गलती नहीं करनी है। तो आप लोगों को यही कुछ बताना था दोस्तों कि इसी तरह से आप जो कि अपना यूट्यूब चैनल है ग्रो को कर सकते हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में यही कुछ बताना था दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी ऐसे स्टडिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप ये दो वीडियो है वो देख सकते हो। तो थैंक।